पारो, हुँ? क्या हुआ तुझे? कल मुस्कुराहट मिली थी और आज आंसू मिले हैं। बाद में मिलती हूँ। पारो रुको, मेरा फोन क्यों नहीं उठाती? मुझ पे क्या गुजरी पता है? उस सीनू ने मुझे गोली मार के जख्मी कर दिया था। मेरी गलती नहीं है, समझने की कोशिश करो। फिर भी चाहो तो दो थप्पड़ लगा दो। अब कोई नई चाल चल रहे हो? मेरे साथ चलोगी तो सारा मैटर समझ में आ जाएगा। तुम्हें मैं नहीं जानती, तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। तुम्हें नहीं जानती, चलो यहाँ से फुटो। बेबी डोंट फियर, आई एम हियर। अब ये नया नॉनसेंस कौन है? नॉनसेंस कौन रे? चीफ न्यूरोलॉजिस्ट हूँ मैं। नस पकड़ कर दबोच दिया तो सारा नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा। तू न्यूरोलॉजिस्ट है तो ये चक्कू है। अगर मैं चाहूँ तो तेरे ही अस्पताल वाले तेरे ही सुसाइड केस का सर्टिफिकेट दे देंगे। बोल, चखना है मजा तुझे? आएगा हमारे बीच में? कूल डाउन ब्रो, आप हमारी बेबी से मिलिए, मैं अंदर अपना काम करता हूँ। ए बेबी, नर्स। तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो? हाँ तो फिर मेरे साथ आज रात 10 बजे दुबई जाने की तैयारी करो। इतनी जल्दी ये सब कैसे हो सकता है? तो फिर कल शाम को चले, परसों मॉर्निंग, 2 दिन बाद भी जा सकते हैं। इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है पारो। जब हम मिले थे तब क्यों नहीं बताया था कि ये मुमकिन होगा या नहीं? जब प्यार करते हैं तो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाना पड़ता है। रहने दो, तुमसे नहीं होगा। हेलो मेरी डार्लिंग वाइफ, बोलो। आपको जो कहा था वो ला रहे हो ना? क्या ला रहा हूँ? मुझे होटल का मस्त खाना चाहिए। कल पतारू, तू जानती हाउ मच आई लव यू। तो एक काम कर, उस प्यार से अपना पेट भर ले, मैं नहीं आ रहा हूँ। प्यार से सबका पेट कैसे भरेगा? तू कुछ जुगाड़ कर लेना। बच्चों को भूल गए क्या? उन्हें फ्राइड राइस खिला। रात को बहुत हेवी हो जाएगा। चिकन खिला दे। अरे आज मंगलवार है, पाप चढ़ाओगे क्या? एक काम कर, जो भी घर में है वो बना के खिला दे। रोज तो घर का खाना खाते हैं। हाँ तो कभी तो अलग खिलाओ। इडली सांभर लाऊं? हर बार तुम यही क्यों लेकर आते हो? ए, 2 मिनट में मैगी बन जाती है, बना ले। मैगी आजकल मिलता कहाँ है? अब तुझे बच्चे की जान लगी। मैं जो कहूँगी वो तुम ले आओगे क्या? ये मेरी बीवी ऐसी है या दुनिया की सारी बीवी ऐसी होती है? ए, ए, पारो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अचानक तुम्हारा दिल कैसे बदल गया? ए, इतना बड़ा पत्थर कहाँ से आ गया? ए, खड़ी गाड़ी नहीं दिखती क्या? अरे तो खड़े खड़े ठोक रहा है। ऑफिसर, हैदराबाद ऑटो यूनियन प्रेसिडेंट रमेश रिपोर्टिंग सर। ए, इधर आ। ओके, आ गया। जोर की लगी है, गियर रिवर्स में लग रहा है। लगता है तू भी मेरी तरह गम के सागर में डूबा है। इसके बिना तू भी नहीं जी सकता ना? ऐसे घुट घुट के जीने में क्या मजा है, इससे अच्छा मर जाना बेहतर है। हम चाहे जो कर ले, हमारी किस्मत में दुखी लिखा है। मेरे को देख, क्या हो गई है मेरी लाइफ, बोलना। हमें गम देने वालों की वजह से हम सब कुछ गवा देते हैं। क्या बात कर रहे हो ऑफिसर, मैं बिना पैसे के इसको लेके आया हूँ। पॉकेट की चीज बार बार नहीं मिलेगी भाई। आज तू लकी है रे, जो एक बार लव करता है उसकी पूरी लाइफ नशा बन जाती है। वो खुश होने का नाटक तो करता है लेकिन खुश कभी नहीं हो पाता। ये बोतल हाथ में रहेगी तो इमोशनल कर देगी, मैं इससे जल्दी खत्म कर देता हूँ। अबे मैं लवर की बात कर रहा हूँ और तू अपने क्वार्टर की बात कर रहा है। उठना बे। अगर मैं उठ गया तो मैं बहुत मारूंगा। इतने जोर से मारने की क्या जरूरत थी यार? ये तू आ गई, बहुत बढ़िया। बड़ी फ्रस्ट्रेशन में मिली है। नाम क्या है? और कोई इसे नाम क्यों पूछता है? कतरीना कैफ। ये कतरीना कैफ नहीं ऑफिसर, ये काटने वाला नाइफ है। स्वीट एंड सॉल्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। चल, क्या देगा? तेरी लाइफ सेट कर दूंगा। तूने अगर प्यार दिया तो वही काफी है। अरे वाह 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 वाह, आज रात को हम दोनों शादी करेंगे। पंडित को बुला। अरे मां ने मर गई मेरी शादी। ऑफिसर, ये फ्रीज टाइम मिक्सर है, इसके जाल में मत फंसना वरना चक्कर में घूमते रह जाओगे। उतर। बाप रे, बिल्कुल सन्नाटा और सुहानी रात, यहाँ क्यों लाया है राजा? अभी बताता हूँ, बताता हूँ। चल भाव निकाल। तू ठोकर मारेगी तो मेरे को दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा। देख इसको, लगती है कि नहीं मल्लिका की तरह हसीना। तुम हो बड़े नॉटी और मैं हूँ हॉटी। ओफो, इस फिगर को देखकर किसी का दिमाग खराब नहीं होगा क्या? इसका नाम जानती हो?
जाने मन नाम क्या है तेरा? कतरीना कैफ। हाँ कतरीना कैफ, सिस्टर ऑफ मोहम्मद कैफ और इस वक्त मेरी वाइफ। अरे वाह, क्या हुआ जाने मन? कुछ हो रहा है। कंफर्टेबल हो ना? अब तुम्हें इसकी क्या जरूरत है, हम शादी करने वाले हैं ना। लवर हस्बैंड ऐसे फुल कोऑपरेशन, देख के सीखो कुछ। चली गई और घर की खिड़की के साथ दिल की खिड़की भी बंद कर दी। उस लड़की में ऐसा क्या रखा है, उससे ज्यादा खूबसूरत मैं हूँ। माना तो खूबसूरत है और मैं भी जवान हूँ, लेकिन क्या हो गया तुम्हें, उसके सामने मेरे करीब आने से शर्मा रहे हो? अरे ये मिस्टर, ये मिक्सर ऑफिसर, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो तुम, मुझ पे यकीन नहीं हो रहा ना, तो इसके पैरों के बाल निकले भालू जैसे। ऑफिसर आपकी प्रॉब्लम मुझे समझ में आ गई, मुझे 1 सेकंड का टाइम दो। सिस्टर आई नेवर डोंट टच यू, प्लीज कम, दिस इज योर मार्क, दिस प्लेस सेम। सिस्टर ये जबरदस्ती गुस्सा दिखा रहा, ये तुम्हारे प्यार की तड़प है, एम आई करेक्ट? प्रोसीड योर ऑनर। तुम लोग कॉम्प्रोमाइज करके एक दूसरे से घुल मिल जाओ और इस ड्यूल सिम को मैं अपने साथ ले जाता। जानता है प्यारे, इस लड़की की वजह से मेरी इससे शादी टूट गई है, तो अब तू करेगा क्या? अरे तो चल मेरे साथ, मैं ऑलरेडी एक से परेशान हूँ, तू मेरे को कंधे पे बोझ डाल रही, तू बैठ यहाँ से निकल चल। बुलेट लगने के बाद मैं घायल हो गया, उस वक्त मुझे ऐसा लगा शायद मैं जिंदा ही नहीं बच पाऊंगा, लेकिन बच गया, शायद मेरी किस्मत अच्छी थी। तुम्हारे ना आने पर मैं क्या क्या सोच बैठी थी, जब सच्चाई पता चली तो मैं अंदर ही अंदर घुटने लगी, तुम्हें कुछ हो जाता तो सोचो मैं क्या करती। कुछ हुआ तो नहीं ना, अरे ऊपर वाला अपने साथ है और अगर होगा तो भी देखा जाएगा। इसी बात का मुझे हमेशा डर रहता है। पहले मेरे मॉम डैड नहीं चाहते थे कि मैं दुबई जाऊं, लेकिन अब वो मुझे जबरदस्ती भेज रहे हैं। मेरी लाइफ तो फैसला करने का हक मुझे होना चाहिए, किसी और का फैसला मैं क्यों मानूं? एकदम करेक्ट, तो मुझे डिसाइड कर लो ना। मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, वो तो मुझे भी नहीं है। वीजा ले लेते हैं और हम दोनों दुबई ही चलते हैं। चले जाएंगे। अभी जो तुमने कहा वो कल सुबह तक याद रहेगा ना? याद नहीं रहा तो याद रखने के लिए याद दिलाना पड़ेगा। इरादा क्या है? इरादा तो यही है जो पहले किया था, अब भी करना। हमेशा यही सोचते हो, मौका मिला नहीं कि फायदा उठाते हो। चलो हटो, जब देखो तो रोमांस ही सोचता है। पारो माय गुड डे, मॉर्निंग में नहीं, लाइफ को बनाने के लिए मैं गोगो गोवा जा रहा हूँ, गोगो गोवा जा रहा हूँ। ए पार्टी तेरा इंतजार कर रही है, जा। हेलो डी सिल्वा, सीआई डी सिल्वा। तेरा नाम सुनकर घबरा जाऊंगा, इतना डरपोक इंसान नहीं हूं मैं, वैसे भी मेरा एरिया बदल गया है। मुझे तेरी घबराहट की नहीं, तेरे साथ की जरूरत है। सीनू जो भी काम करता है उसकी कोई ना कोई कीमत होती है। प्राइस सुनकर तो खुद भी हिल जाएगा। श्रीशैलम 2000 करोड़ का इलीगल ट्रांजैक्शन कर रहा है, मुझे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पूरी मतलब पूरी। कैसे करना है वो तू समझ। अपने धंधे में कितना भी बिजी हो जाऊं लेकिन तुझे नहीं भूल सकता कृष्णा। उस गैंग में कृष्णा नाम का एक लड़का है, उसे उठा लो, काम हो जाएगा। जरा प्यार से इंटरोगेट करना। जौहरी बाजार में बहुत बड़ी चोरी, बड़ा हाथ मारा क्या? मैंने प्लान कैंसिल कर दिया सर। यस सर, प्लान कैंसिल कर दिया। तेरी तो, मेरे पैर का जूता मेरे ही पैर में रहना चाहिए, जो मैं कहता हूँ वो तुम्हें हर हाल में करना होगा। 2000 करोड़ की एक डील का पता चला है सर। श्री सलम कुछ फॉरनर्स के साथ मिलकर इलीगल ट्रांजेक्शन कर रहा है, इसकी इन्फॉर्मेशन मिली है सर। इस मौके का हम फायदा उठा सकते हैं और इससे आपका भी काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सॉरी सर, तुम्हारा प्लान क्या है? उसकी गैंग में एक आदमी है जिसे हम मोहरा बना सकते हैं सर, उसका नाम है कृष्णा, हम उसे उठा लेंगे। श्री सलम को कानो कान खबर भी नहीं होगी और हम उसे सारी इन्फॉर्मेशन उगलवा लेंगे। प्लान इंटरेस्टिंग लग रहा है, इस सोच को डिलीट करने से पहले मुझे जरा सोचने दो। ए, इन दो उंगलियों में से एक को छू, एक है गन शॉट और दूसरा है करंट शॉक। प्लान में कोई गड़बड़ हुई तो दोनों हो सकता है,
इसी वक्त काम पे लग जाओ। जाओ। ए। यस सर। सॉरी सर। सैल्यूट। सॉरी सर। कहाँ गई होगी? हॉस्पिटल में ढूंढा तो कहीं नजर नहीं आई, फोन किया तो उठा भी नहीं रही है। हेलो डिसिल्वा, सीआई डिसिल्वा। सर जब अपना कोई लापता होता है तो पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, ये नहीं पता तुम्हें? क्या? पुलिस स्टेशन आ जाओ। अभी आया सर। पारो। कृष्णा। क्या बात है पारो? मुझे यहाँ क्यों लाए हैं पता नहीं, सिर्फ बैठा कर रखा है, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। ए, आओ साहब बुला रहे हैं। तुम हीरो को मैं बात करके आता हूँ। सर क्यों बे, दो घंटे तेरी माशू का क्या गायब हो गई, तुझे इतनी टेंशन हो गई? हमेशा के लिए गायब हो गई तो? ऐसा नहीं होगा सर। क्या ऐसा ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? तो जो मैं कहता हूँ वो कर। श्री सैलम रोज किस किस से मिलता है, वो किस किस से बात करता है और वो क्या प्लान बना रहा है, ये सारी खबर तू मुझे देगा तो सब सही रहेगा। कोई प्रॉब्लम है इन्फॉर्मर? वो लोग मुझे मार देंगे सर। तेरी माशुका की जान प्यारी नहीं है क्या? ठीक है सर। ये है ना समझदारी की बात, जो मैंने कहा वो तू करता रहेगा तो तुझे उसकी पूरी कीमत भी मिलेगी, वरना कहीं उसे हाथ ना धोना पड़े।